बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास सेवन आज का लेक्चर है आपका लेक्चर नंबर 4। लास्ट लेक्चर जो आपका लेक्चर नंबर 3 था, उसमें आप लोगों ने एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट्स किए थे, 1 और 2। आपके पास अगेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2A में अगेन क्वेश्चन नंबर फाइव आपका क्या है, एक्सप्रेस -3/7 एज अ रैशनल नंबर हुज नॉमिनेटर इज़। आपको बताया नॉमिनेटर क्या होते हैं, ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं। आपके पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट करवाया था लास्ट लेक्चर में, नाउ थर्ड पार्ट है आपके पास। नॉमिनेटर क्या फाइंड करना है आपको, 3। किससे फाइंड करना है आपको, -3/7 से। यह आपका क्वेश्चन है, सॉल्व के बाद अगेन क्वेश्चन राइट किया। अब आपके पास 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि आपके पास पॉजिटिव 3 रहे, तो वो कौन सा नंबर है, 1 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मल्टीप्लाई के साइन के साथ ing, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, डिवाइड के साइन के साथ ing, डिवाइडिंग बाय 1। आप 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, +1 से, तो वो आपके पास क्या रहेगा, क्या वैल्यू आएगी आपके पास, +3। अच्छा, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मुझे नॉमिनेटर में +3 चाहिए, मीन्स प्लस का 3 चाहिए, तो मैं माइनस साइन कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी, डिनोमिनेटर में। देखिए मैंने यहाँ पे साइन माइनस कहाँ ट्रांसफ़र किया है, डिनोमिनेटर में 7 के साथ। 3 × 1, जो वर्किंग आप नॉमिनेटर में करते हैं वही सेम वर्किंग किस में करते हैं, डिनोमिनेटर में। लेट सपोज अगर आपने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, नॉमिनेटर को 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिवाइड में 7 को भी आप -7 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 से। 3 × 1, -7 × 1। अगेन बताती हूँ कि आपके पास माइनस नीचे क्यों ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि आपको नॉमिनेटर किसका चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू किसकी चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए मैं माइनस कहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में। 3 × 3, 7 × 7 और माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आया, 3/-7। देखिए आपको नॉमिनेटर में +3 फाइंड करना था, आपका नॉमिनेटर क्या बना, +3। नाउ लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 4, 9। अब आपको नॉमिनेटर में वैल्यू क्या फाइंड करना है, +9, मीन्स आप -3/7 को ऐसे सॉल्व करें कि आपके पास नॉमिनेटर क्या बने, +9। वो ऐसा नंबर जो आप 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास 9 आए, वो कौन सा नंबर है, 3। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 × 3 = 9। तो मैं यहाँ वर्डिंग में क्या लिख रही हूँ, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3। आपने नॉमिनेटर में भी 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में -7 को किससे मल्टीप्लाई किया, 3। अब देखें यहाँ पर आपको, फिर आपको नॉमिनेटर किसका चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, +9 चाहिए, तो मैं माइनस कहाँ ट्रांसफ़र कर रही हूँ, डिनोमिनेटर में। 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, -+ −21। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीट होता है, ये इसका पार्ट 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसको आप लोगों को वर्किंग कैसे करनी है, आप लोगों को हॉरिजॉन्टल वर्क करवाया है, ये एक साथ इस तरह से करवाया है थर्ड और फोर्थ, बट आपको वर्टिकल वर्क करना है, पहले फर्स्ट के नीचे सेकंड, सेकंड के नीचे थर्ड, थर्ड के नीचे फोर्थ। आप लोगों को पता है लेक्चर मेंशन करेंगे लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज मेंशन करेंगे एक्सरसाइज 2A, डेट मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन जिस तरह से ब्लैक पेन से राइट करते हैं, फिर पार्ट ब्लैक पेन से राइट करेंगे, और सॉल्व के बाद पूरी वर्किंग किससे करेंगे, आप ब्लू पेन से करेंगे। नाउ पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक्सप्रेस -2/-5 एज अ रैशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको नॉमिनेटर फाइंड करना था, वैसे तो आप डिनोमिनेटर भी बना रहे थे, लेकिन आपका फोकस किस पे था, नॉमिनेटर पे था, क्योंकि वो नॉमिनेटर की बात कर रहे थे। अब वो किसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में डिनोमिनेटर आपको क्या फाइंड करना है, +5। यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर क्या है, -5 है। वो कौन सा नंबर है जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास +5 आए, तो मैं यूज़ किसको करना है, -2/-5 को इस तरह से सॉल्व करना है कि डिनोमिनेटर में -5 नहीं आए, बट क्या है, +5 आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय -1। जब आप -1 को -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -, -+ और 5 × 5 होगा। यहाँ जब मैंने आप लोगों को बताया जो वर्किंग आप डिनोमिनेटर में करते हैं वही नॉमिनेटर में करते हैं, या जो नॉमिनेटर में करते हैं वही डिनोमिनेटर में करते हैं। अगर आप -5 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप -2 को भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 से। -2 × -1, -5 × -1, -± +2 × 2, -± +5 × 5। देखें आपको डिनोमिनेटर में क्या फाइंड करना था, +5 फाइंड करना था, तो आपके पास ये क्या आ गया, +5 आ गया।
नाउ पार्ट नंबर टू, पार्ट नंबर टू आपके पास क्या है, माइनस 15। अब आपको डिनोमिनेटर में माइनस टू अपॉन माइनस फाइव से डिनोमिनेटर में माइनस 15 फाइंड करना है। तो वो कौन सा नंबर है जिसको आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास क्या है, 15 आए। और माइनस का 15 चाहिए आपको, तो ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है यहाँ पे माइनस टू माइनस अपॉन माइनस फाइव के साथ। तो मैं ये फोकस करूँगी कि 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास 15 आए। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 3, 5 के टेबल में 15 कब आता है, जब आप उसको 3 से क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप नॉमिनेटर में भी 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर में 5 को भी किससे करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। माइनस प्लस माइनस, 2 थ्री ज़ार 6, माइनस प्लस माइनस, 5 थ्री ज़ार 15। देखिए माइनस का 15 आ गया डिनोमिनेटर में। वैसे तो वैल्यू नॉमिनेटर की भी चेंज हो रही है, बट आपका फोकस किस में है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में वही फाइंड करना है जो वो कह रहे हैं भले, और नॉमिनेटर में कोई सी भी वैल्यू है इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर में फोकस करना है जो वो कह रहे हैं वही वैल्यू फाइंड करना है। तो आप जिस नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी को आप किससे करवाएंगे, नॉमिनेटर से भी करवाएंगे। या एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, बट वहाँ पर आपको नॉमिनेटर में फोकस करना था, वहाँ वैल्यू क्या थी, माइनस 3 अपॉन 7 थी। यहाँ पर वैल्यू क्या है, माइनस 2 अपॉन 5, माइनस 2 अपॉन माइनस 5 है। और यहाँ पर आपको किस पर फोकस करना है, डिनोमिनेटर में करना है। यहाँ तक कंप्लीट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के रिमेनिंग पार्ट्स करवाऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।